हेलो दोस्तों, नमस्ते। मिसाली बिबिन ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने दिखाया कि एक खेत हमारा धान कट गया है, अभी तीन खेत रह गया है कटने के लिए। दोस्तों, पका भी है कि नहीं पूरी तरह से, चलते हैं देखते हैं खेत पर। तो आप लोग को दिखाएं, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो दोस्त देखिए, धान पक गया है, दो दिन और लगेगा ये करने में। देखिए यहाँ पे हमारा धान, पता नहीं कौन काट ले गया है। देखिए यहाँ पे कोई देखा ही नहीं। आइए चलते हैं, अगला खेत दिखाते हैं इसका क्या हाल है। देखिए इसी में दामनी है, वो भी फूट गया है। तीन चार आटी लगी हुई है। आगे उस अगले खेत में चलते हैं। आइए, और चाचा का है, देखिए ये भी फूट रहा है, दामनी है, मस्त फूट रहा है दोस्तों। पानी पा गया ना, दो दिन में, दो चार दिन बारिश हुआ, मस्त बड़ा भी हो गया। देखिए फूट गया है पूरी तरह से, धान सब झरा गया है। देखिए मस्त, अभी पता नहीं है फूट गया है, एकदम लगते नहीं लगा है, दाना पड़ रहा है इसमें। आगे चलते हैं, वो वाला खेत देखते हैं हमारे। बहुत ओस पड़ी है दोस्तों, इससे हम भीग रहे हैं। तो पक्का लग रहा है, अभी घाम दोपहर होगा तब देखेंगे कि इसकी हालत क्या है। अभी सुबह सुबह है तो थोड़ा कम लग रहा है, देखते हैं अगला खेत, देखते हैं वहाँ पे चलते हैं। पता नहीं कौन जानवर है वहाँ पे, इलगा है क्या, कुछ जरूर है। एक दो दिन बाद ही कटवाएंगे, आप देखते हैं फिर कल, नहीं तो परसों कटेगा। थोड़ा थोड़ा रह गया किनारे किनारे का ही। आगे हम दूसर के खेत में दोस्तों, आगे दिखाते हैं। हम आए थे तभी आम फरा था दोस्तों, जब धान लग रहा था हमारा, इतना सब पक्का पक्का उस समय गिर रहा था, तो हमारा खेत लग रहा था। देखिए धान पकने पक गया है, थोड़ा बहुत रह गया, एक दो दिन लगेगा बस, ज़्यादा ज़्यादा एक दो दिन और लगेगा। पानी की व्यवस्था नहीं थी रही दोस्तों, पक जाता पानी देर देर में पाया था, देर लगा, समय लगा पकने में। पूरा खेत पका हुआ है, दस हिस्सा है यहाँ पे, और वहाँ तो जाने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा, पहुँच पाएंगे कि नहीं हम लोग मजबूर के लिए। घंटे घंटे चलते हैं क्या।
धान लग रहा था तो ये दीवार थी, अब गिर गया था, अब गिर गया पूरी तरह गिर गया। अब यहाँ लीडराउंड लगे हैं क्या, यहाँ पे खनर दिए हैं, ये देखो नेबुआ का पेड़ है, फर नहीं इसमें नेबुआ में। की जाए वहाँ हो रास्ता। देखिए दोस्तों यहाँ छोटा सा हमारे गांव पड़ा था, है दो चार छः लोग रहते हैं वहाँ पे, और वहाँ मशीन था, वहीं से पानी आता था खेत में। तो जब सूखा पड़ा था उस समय तो दिक्कत थी दोस्तों, बहुत सारा दिक्कत थी पानी, माने कि एक तो है नहीं कि अकेले तुम्हें दें, सबको देना पड़ता था, इसीलिए धान फूटने में पकने में समय लग गया। तो फिर भी अब एक दो दिन कसर है दोस्तों, पक जाएगा। अब देखिए मस्त लग रहा है इधर नज़ारा, इधर क्या उधर के डाली है दोस्तों। निकलते हैं, फिर चलते हैं घर के लिए। वहाँ देखिए मक्का बोया गया है, मेरा कितना अच्छा गिर निकला हुआ है उसमें, मक्का मक्का गिर है, देखो भारतीय चिड़िया भी जाएगी मक्का। हमारे खेत से वो हाईवे से होते हुए ये रास्ता निकल गया, वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलकर कि जाएगा हरिया सीधा इधर। तो देखिए अमृत बहुत कितना अच्छा है, आज हम जगह बहुत अलग जगह आए हैं, पहली बार आए दोस्तों इधर, इधर आते नहीं कभी हम, लेकिन आज खेत को जैसे यहाँ आना पड़ा और खेत से आना पड़ता ही है। कहाँ जा था बहू हरा स्कूल? उतना बड़े से फिर देखिए उतना सा, ये बाग दिखाते चलते इधर देखिए दोस्त, ये बाग ही है मस्त बाग। देखिए आम का पेड़ है, इधर बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं, दूर दूर निकल गए हैं दोस्तों, जहाँ कल ही नहीं आते थे। दीदी बता रहे हैं आप लोगों को कि गाँव में जब बाग में होली आओ कितना अच्छा लगता है, बाग मस्त बाग है। उधर बेल हमने दिखाया कितना सुंदर फल लिया, इतने बड़े बड़े हो गया है। और जब से वहाँ सूख गया तो एकदम बेचारा था, एकदम हरे भरे आम के पत्ते थे। देखिए आम सूख गया है एकदम, पेड़ देखो भी काटा नहीं गया है, इतना खड़ा है, कितना पेड़ है, सब सूखा है दोस्तों। तो आज खड़ा पेड़ आप लोग को दिखाया, खेत में बोया गया था, सूख गया है दोस्तों। अगर हमने आपको बाग सब कुछ आज दिखाए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। दोस्तों नमस्ते, बाय दोस्तों।